तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए, तो अपन थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, मतलब अपने क्लास 10 साइंस का पहला लेसन अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, और उस लेसन का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो मैंने अपने पहले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन की बेसिक जानकारी अपने को मतलब आप लोगों को दिया था, लेकिन आज के लेक्चर में प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। मतलब सही मायने में आज के लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है अपन उसकी बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन चेंज की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन चेंजेस की बात करेंगे कि चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है। तो एक चीज़ बच्चा जानता है, एक चीज़ बच्चा ये जानता है कि चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। चेंज एक नेचर का नियम है बच्चों, कि कुछ ना कुछ चीज़ें नेचर में चेंज होते ही रहते हैं। कि जैसे पहले लॉकडाउन नहीं था लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया, पहले कोरोना नाम का वायरस नहीं था अभी कोरोना नाम का वायरस आ गया। मतलब ये जो नेचर है नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते ही रहता है। इसका मतलब अगर मैं चेंज की बात करने लगा तो यहां पे एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। मैं चेंज को नेचर का लॉ बोल सकता हूं कि परिवर्तन, यह पे अपन परिवर्तन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है और ऐसा होना भी चाहिए कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो हम अपने आजू बाजू में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अब चेंजेस कुछ इस तरह से अपन देखते हैं कि जब कभी कभार मैं देखता हूं, तो जब दिन है बच्चों, जब दिन है तो सूरज मुझे दिखता है, दिन है तो दिन होता है मान के चलिए, मेरे को सूरज दिखता है, मेरे को धूप दिखती है। लेकिन जब रात हो जाती है तो मुझे सूरज नहीं दिखता, मुझे चांद दिखता है, अंधेरा दिखता है। तो कभी मुझे दिन का उजाला दिखता है तो कभी मुझे रात का अंधेरा दिखता है। तो ये भी तो नेचर में चेंज ही है, ये भी चेंज आ रहा है। कभी रेनी सीजन होता है तो कभी समर आता है। तो ये मतलब नेचर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते ही रहता है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री के अंदर चेंज की बात करने लगा, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं चेंज की बात करने लगा, तो केमिस्ट्री में मैं चेंज को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में चेंज की अगर बात करने लगा, परिवर्तन की अगर बात करने लगा मेरे बच्चों, तो इस चेंज को अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या चेंज को मैं दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस को अपन दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें से पहले चेंज को फिजिकल चेंज बोला जाता है। द फर्स्ट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। मैंने पहले चेंज को फिजिकल चेंज बोला और दूसरे चेंज को अपन केमिकल चेंज बोलेंगे, दूसरे चेंज को केमिकल चेंज बोला जाएगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जिन चेंजेस की अपन बात कर रहे हैं, दैट चेंजेस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अपन चेंजेस को मेनली दो ही टाइप में क्लासिफाई करेंगे। पहले को फिजिकल चेंज बोला जाएगा और दूसरे को अपन केमिकल चेंज बोलेंगे। द फर्स्ट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। मतलब नेचर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, केमिस्ट्री में उस चेंजेस को अपन दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। एक को फिजिकल चेंज बोला जाएगा, दूसरे को केमिकल चेंज बोला जाएगा। तो अभी अपने को आज के लेसन में या आज के लेक्चर में यही पढ़ना है कि मेरे सामने अगर फिजिकल चेंज निकल के आता है तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, या फिजिकल चेंज को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर मेरे सामने अगर केमिकल चेंज निकल के आता है तो उस केमिकल चेंज को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान के चलो बच्चों ऐसी सीन क्रिएट हो गई, यहाँ पे इस तरह की सीन क्रिएट हो गई कि मेरे पास वाटर है, मेरे पास H2O है। अब ये
जो वाटर मेरे पास है, ये वाटर मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, वाटर मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, तो वाटर मेरे पास सॉलिड स्टेट में है मतलब सॉलिड वाटर को क्या मैं आइस नहीं बोल सकता बच्चों? वेरी गुड, दैट सॉलिड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइस, इसको अपन आइस बोल सकता है। तो मेरे पास सॉलिड स्टेट में H2O है, सॉलिड स्टेट में वाटर मेरे पास है जिसको मैं आइस बोल रहा हूँ, जिसको मैं आइस बोल रहा हूँ, तो ये मेरे पास सॉलिड वाटर, ये मेरे पास सॉलिड वाटर है मतलब ये बर्फ है, ये आइस है। अब इसको इस रूम के अंदर थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया, इस आइस के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए इस रूम के अंदर मैंने रख दिया, थोड़ी देर के लिए रूम के अंदर रख दिया, तो ये आइस का जो टुकड़ा है ये मेल्ट हो जाएगा, आइस का टुकड़ा मेल्ट हो जाएगा और मेरे को वाटर ही मिलेगा, मेरे को वाटर ही मिलेगा, लेकिन वो वाटर मुझे लिक्विड स्टेट में मिलेगा, वो वाटर मेरे को लिक्विड स्टेट में मिलेगा मतलब यहां पे H2O मेरे को मिला, जो लिक्विड स्टेट में मिला H2O मेरे को मिल गया, जो लिक्विड स्टेट में मिला, और H2O सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो गया, H2O सॉलिड स्टेट में था जिसका कन्वर्शन H2O लिक्विड स्टेट में हो गया, और ऐसे कंडीशन में यहां पे जो प्रोसेस हुई, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को अपन मेल्टिंग बोलेंगे बच्चों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस, मेल्टिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्शन अगर लिक्विड में हो जाए तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाएगा, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाएगा। तो मान के चलो कल चल के ऐसा कुछ आपको दिखा, कल चल के ऐसा कुछ आपको दिखा कि क्वेश्चन आपको आ गया, क्वेश्चन आपको आ गया कि ना जाने कौन से मटेरियल का मेल्टिंग हो रहा है, वो मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो किसी मटेरियल का अगर मेल्टिंग हो रहा है, किसी मटेरियल का मेल्टिंग हो रहा है मतलब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, वो रिएक्शन के अंदर कोई भी हो सकता है। रिएक्शन में एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल तुमको दिखा जहां पे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ, सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ और आपको ये पूछा गया कि वो कौन सा चेंज है, वो कौन सा चेंज है, तो ऐसे कंडीशन में उस चेंज को अपन फिजिकल चेंज बोलेंगे बच्चे, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। मैंने फिजिकल चेंज का डेफिनेशन आपको नहीं बताया, मैं पहले एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझा के देता हूं और बाद में इसके अपन एग्जांपल मतलब बाद में इसको अपन डिफाइन करेंगे। अब ये अपन ने पहला एग्जांपल लिए, ये पहला एग्जांपल लिए जहां पे मेल्टिंग अपने सामने आया। अब मान के चलो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया। अब यहां पे मेरे पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, मेरे पास H2O है और लिक्विड स्टेट में है, H2O है लिक्विड स्टेट में है। अब मान के चलो वाटर मेरे पास लिक्विड स्टेट में है, वाटर मेरे पास लिक्विड स्टेट में है। अब इसको अगर मैं हीट करता हूं, इसको मैं हीट करूंगा मतलब इसको मैंने हीट कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर को मैंने हीट कर लिया मेरे बच्चे। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर लिक्विड वाटर को अपन हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड वाटर है ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। क्योंकि एक चीज अपने को बहुत पहले से पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। नहीं भी पता है तो आपको ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात में किसी को आपने ये पूछा, किसी ने आपको ये पूछा कि पानी का या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इस लिक्विड वाटर को हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बॉइल हो जाएगा, ये बॉइल हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा मतलब वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स। तो यहां पे मुझे वाटर के वेपर्स मिलेंगे, वाटर के वेपर्स मिलेंगे, और वेपर होती है बच्चों गैसीय स्टेट में। यहां पे मेरे को वेपर्स मिले, और वेपर्स मेरे को मिले गैसीय स्टेट में,
तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ, यहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ है बच्चों, और उस प्रोसेस में लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस में हो गया, लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस में हो गया। और एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस में होता हो, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवापोराइजेशन, उसको इवापोराइजेशन अपन बोलेंगे, इवापोराइजेशन उसको बोला जाता है, या उसी प्रोसेस को अपन वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं, उसी प्रोसेस को मैं वेपराइजेशन भी बोल सकता हूँ। तो दूसरी चीज मेरे को पता चली, जब भी आपको ऐसा कोई चेंज दिखे जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, जहाँ पे लिक्विड गैसियस में चेंज हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो चेंज होगा उसको अपन फिजिकल चेंज बोलेंगे, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। अब इसका तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और देखो इसका तीसरा एग्जांपल कैसा है बच्चों। मान के चलो मेरे पास कैंपर है, कैंपर मतलब कपूर मेरे पास है, सभी जानते हैं अपने पास कैंपर है। अब ये कैंपर अपने पास सॉलिड में होता है। अब इस कैंपर को मैं बर्न करूँ, मतलब इसको मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ, तो कैंपर जल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी मेरे को कैंपर ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा बच्चों गैसीय स्टेट में मिलेगा। कपूर को अपन जलाते हैं तो धुआं निकलता है, काले कलर का धुआं निकलता है, वो धुआं मतलब कपूर ही है, लेकिन वो धुआं अभी गैसीय स्टेट में है। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड चेंज हो गया, सॉलिड डायरेक्टली गैसियस में चेंज हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्शन गैसियस में हो गया, सॉलिड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में चेंज हुआ। और जब भी मेरे बच्चों सॉलिड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस प्रोसेस को अपन सबलिमेशन बोलता है, उसको सबलिमेशन बोला जाएगा मेरे बच्चे। तो ये भी एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे कोई चेंजेस अपने सामने दिखे जहां पे चेंजेस हुआ, मतलब मेल्टिंग हुआ, अपने को यहां पे दिख रहा है कि यहां पे अगर मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग के बाद इवापोराइजेशन हो गया, मान के चलो इवापोराइजेशन हुआ या फिर सबलिमेशन हो गया, तो ये जितने सारे चेंजेस अपने को दिख रहे हैं, ये जितने सारे चेंजेस मैंने बोर्ड पे लिखा है, इन सभी के सभी चेंजेस को अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं, दैट ऑल द चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। तो एग्जांपल्स देखने के बाद अभी अपन फिजिकल चेंज को आसानी से डिफाइन कर सकता है। मैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में जो भी मटेरियल है या जो भी सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है बच्चों। पहले वाटर सॉलिड में था, बाद में वाटर लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन सब्सटेंस यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन सब्सटेंस या मटेरियल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे भी देखो, पहले भी कैंपर था, अभी भी कैंपर ही है, लेकिन कैंपर की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, मतलब ऐसा चेंज जहां पे मटेरियल की या फिर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती हो, ऐसे चेंज को अपन फिजिकल चेंज बोलेंगे, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज गेट चेंजेस बट सब्सटेंस इज नॉट चेंज। सब्सटेंस यहां पे चेंज नहीं होगा, लेकिन फिजिकल स्टेट यहां पे चेंज होंगी। तो इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकता है द चेंज इन विच ऐसा चेंज बच्चों, यहां पे ऐसा चेंज आ रहा है, द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करने लगा, तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दीज आर द थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर।
तो द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ एंड सब्सटेंस ऑफ एंड सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस हो सकता है या कोई भी मटेरियल हो सकता है, द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ एंड सब्सटेंस इज गेट चेंजेस, अपन ऐसा बोलेंगे एक ऐसा चेंज जहाँ पे सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती हो लेकिन सब्सटेंस चेंज ना होता हो, सब्सटेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है बट सब्सटेंस रिमेन सेम, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बट सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस अपने पास रहेगा वो सब्सटेंस जैसा का वैसा ही रहेगा, बस सब्सटेंस रिमेन सेम, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, उसी चेंज को अपन फिजिकल चेंज बोलेंगे, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज मेरे बच्चों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सामने निकल के आती है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज को अपन ने डिफाइन कर लिए, अपन ने फिजिकल चेंज को डिफाइन कर लिए है मेरे बच्चों। तो फिजिकल चेंज को डिफाइन करने के बाद फिजिकल चेंज के कुछ कैरेक्टर्स अपने को देखना पड़ेगा। मैं कैरेक्टर्स ऑफ फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स ऑफ फिजिकल चेंज कि आखिरकार फिजिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टर है, फिजिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टर है। तो फिजिकल चेंज का जो पहला कैरेक्टर मेरे सामने निकल के आएगा, फिजिकल चेंज का जो पहला कैरेक्टर अपने सामने निकल के आता है वो डेफिनेशन से ही आता है कि फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये इसका पहला कैरेक्टर है कि फिजिकल स्टेट गेट चेंजेस, यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज होगी बच्चों, फिजिकल स्टेट चेंज होगी और यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं मतलब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ, तो कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है, कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस में हो जाए या फिर इस लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में हो जाए। मतलब मैंने लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस में कर दिया तो मैं गैसियस का कन्वर्शन लिक्विड में भी कर सकता हूं। मतलब ये जो फिजिकल चेंज है, ये जो फिजिकल चेंज है ये परमानेंट चेंज नहीं है बच्चों, ये टेंपरेरी चेंज है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आइस का कन्वर्शन मैंने पानी में कर दिया, आइस का कन्वर्शन, आइस अगर मेल्ट हो गए वाटर बनता है तो उसी वाटर से अपन फिर से आइस भी बना सकते हैं। मतलब ये जो फिजिकल चेंज हो रहा है, ये जो फिजिकल चेंज आ रहा है, इस चेंज को अपन परमानेंट चेंज नहीं बोलेंगे, दैट चेंज इज टेंपरेरी चेंज, इस चेंज को टेंपरेरी चेंज इसको अपन टेंपरेरी चेंज बोलेंगे। ये जो फिजिकल चेंज है इट इज अ टेंपरेरी चेंज, इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज। तो अपन यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं है बच्चों, ये परमानेंट चेंज नहीं है, इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज, यहां पे ऐसा बोला जा सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपने को ध्यान में रखना है कि फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज होती है और यहाँ पे टेम्पररी चेंज है, यहाँ पे जो चेंज आएगा इस चेंज को अपन टेम्पररी चेंज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जरूर चेंज हो रहा है बच्चों, इस चेंज में टेम्परेचर चेंज होगा। अब इसके अगर एग्जाम्पल मैं लिखने लगा, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया अगर कहीं पर अपने को मेल्टिंग दिखा मतलब सॉलिड का कन्वर्शन अगर लिक्विड में हुआ या सॉलिड का चेंजेस अगर लिक्विड में हुआ तो मेल्टिंग हो जाएगा, उसको फिजिकल चेंज अपन बोलेंगे। अगर मैं वेपराइजेशन की बात करने लगा तो ये भी फिजिकल चेंज है बच्चों। उसके बाद अगर मैं सब्लीमेशन की बात करता हूँ तो ये जो सब्लीमेशन वाला चेंज है इसको भी तो अपन फिजिकल चेंज ही बोलेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आज अपन ने पढ़े चेंजेस कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, अपन ने चेंज को लॉ ऑफ नेचर बोले कि परिवर्तन नेचर का एक नियम है, नेचर का एक लॉ है। फिर केमिस्ट्री के अंदर अपन चेंजेस को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पहले को अपन ने फिजिकल चेंज बोले एंड अनदर चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, दूसरे को केमिकल चेंज बोले। और आज के लेक्चर में अपन ने फिजिकल चेंज के ऊपर डिस्कशन किए कि आखिरकार फिजिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंजेस के अंदर कौन कौन से मतलब चीज़ें अपने सामने निकल के आती है। तो ध्यान में रखना है मेल्टिंग हुआ, वेपराइजेशन हुआ या सब्लिमेशन हुआ, इनको फिजिकल चेंज बोला जाता है।
लगता है बच्चों, तो कल चल के ऐसा कोई भी सवाल आया जिस सवाल के अंदर आपको दिखा कि मेल्टिंग हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब मेल्टिंग वाला चेंज हो, वेपराइजेशन वाला चेंज हो या फिर सब्लिमेशन वाला चेंज हो, तो उस चेंज को फिजिकल चेंज बोला जाता है, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, और उसी केमिकल चेंजेस से रिलेटेड फिर पढ़ा जाएगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों। चलिए तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।